नमस्कार दोस्तों, आई एम मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान करना बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से सुख समृद्धि घर आती है, इसके साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। इस साल अक्षय तृतीया 3 मई को पड़ रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि हमें अक्षय तृतीया के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन इन 3 चीज़ों का दान करने से बंद किस्मत के भी कपाट खुल जाते हैं। दान करने वाले भक्तों को धन दौलत व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। सबसे पहला है कि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन गाय की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जल में गुड़ मिलाकर गाय को पिलाना या फिर रोटी में गुड़ लपेटकर खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें चरणों में जौ अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा है कि अन्न का भी दान अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन चावल, दाल, आटा, दूध, दही, फल, मिष्ठान, मतलब जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चूँकि ये वैशाख मास में होता है, गर्मी बहुत होती है, तो इस समय अगर आप जल पात्र का दान करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जल पात्र का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप गिलास, घड़ा का भी दान कर सकते हैं, या फिर कहीं जहां गरीबों के लिए जलाशय बने होते हैं पानी वानी का, वहां भी शरबत का भी दान कर सकते हैं। आप 4-5 घड़े लगवा सकते हैं। कहीं भी कुछ भी आप करें, दान मतलब घड़ों का, पानी का, पात्र का करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा ये तो थे कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा अब हमें किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आपको पुराने कपड़े बिल्कुल भी दान में नहीं देने चाहिए। अगर आपको देना है तो आप नए कपड़े ही दान दें। नए कपड़े ही दान देने से आपको जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराने कपड़े बिल्कुल भी ना, पुराना कुछ भी घर से बाहर इस दिन ना निकालें, वरना अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा है आपको तेज धारदार चीज़ों की भी को भी दान में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा है दोस्तों कि आपको मांस, मदिरा या फिर इन सब चीज़ों का भी इस दिन सेवन करने से बचना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी को खिलाना चाहिए, या ही दान में देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपको करने से परहेज करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही शुभ फल देने वाला दिन होता है। तो इस शुभ फल देने वाले दिन को हमें अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्मों से और भी अच्छा बनाना चाहिए, न कि खराब कर्मों से इस अच्छे दिन को ख़राब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।